नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चाइना ताइवान जो न्यूज़ लाइव अपडेट है वो यही है कि चाइना लगातार ड्रिल कर रहा है। ड्रिल मतलब वो मिसाइल्स फेंक रहा है, समुंदर में ही फेंक रहा है, और ताइवान के आसपास सिर्फ उसे डरा रहा है, थ्रेट कर रहा है। और 5 मिसाइलें उसने दागी हैं, उसमें से कुछ जापान के इकोनॉमिक जोन में भी पड़ी हैं। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने जरूर चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत की है और उसने कहा है कि वो इस चीज़ को बंद करे। तो इसका कोई खास देखिए मार्केट पर असर नहीं है। आज दोपहर के समय व्हाट्सएप पे एक जो वायरल न्यूज़ फैली कि चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया, ये कर दिया, तो उसी वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार्केट में हाई हो गई। बल्कि वो सिर्फ एक अफवाह थी और कुछ नहीं था। उसके अलावा यूरोप ने मार्केट म्यूटेड। बैंक ऑफ इंग्लैंड इम्पोजिज बिगेस्ट रेट हाइक इन 27 ईयर्स, मतलब पिछले 27 साल में सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंग्लैंड में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं वो है 50 बेसिस पॉइंट। मतलब महंगाई पर उसका बहुत बड़ा अटैक है जिसे मार्केट वेलकम ही करेगा, उसका कोई ऐसी डर की बात नहीं है। तीसरा, जो महिंद्रा महिंद्रा के चीफ इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेशन है, जो मतलब कि जो प्रेडिक्ट किया है चीफ इकोनॉमिक्स में M&M के, महिंद्रा एंड महिंद्रा के, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 40 बेसिस पॉइंट तक RBI रेट बढ़ा सकता है। देखिए, अगर 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाए तब भी मार्केट पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 35 से 50 बेसिस पॉइंट तक वैसे ही मार्केट मानकर चल रही है कि इतना तो RBI बढ़ाएगा ही, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा। ये RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज 10 बजे आना था, पर किसी किन्हीं कारणों की वजह से RBI ने बाद में अपडेट दिया नेट पर कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो फ्राइडे को सुबह 10 बजे आएगा। तो इसलिए हमने पहले कल थर्सडे बताया था, पर बाद में शाम को ये न्यूज़ आई कि अब थर्सडे की बजाय फ्राइडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। तो इसलिए कल थोड़ा सा आपने चौकन्ना रहना है, ज़्यादातर बैंक निफ्टी के मामले में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके समझने वाली है वो ये है कि जो डाउ फ्यूचर है उसने 100 EMA से सपोर्ट ली है, वो अब धीरे धीरे 200 EMA की ओर जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिविटी है हमारे लिए कि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अब पॉजिटिव है। देखिए, जब वो नीचे जा रहा था तब मैंने कह दिया था कि अब थोड़ा हमारी निफ्टी भी डिप मारेगी, और हमारी निफ्टी डिप मारी, अब ये ऊपर जा रहा है। तो यही कारण है कि इसके ऊपर जाने की वजह से ही हमारी निफ्टी ने भी आज रिवर्स लिया और बड़ा पॉजिटिव नोट पर वो क्लोज हुई है, लगभग फ्लैट क्लोज हुई है। तो उसका यही कारण है कि डाउ धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस है 32913, 32913। अगर ये बैंक डाउ फ्यूचर ने क्रॉस कर दिया तो उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, फिर हमें मिलेगा जो नया टारगेट है वो मिलेगा लगभग 33050, 33057, जो कि इसका डाउ फ्यूचर का 6 मई का हाई है। मतलब अगर ये ब्रेकआउट आ गया 32913, 32920 के ऊपर, तब हमें इधर निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बाकी आज जो हमने जो ट्रेड ली थी वो ये थी कि 17420 के ऊपर मैंने कहा था कि बाय करना है, ऊपर 17500 मिलेगा, 17510, 17512 बताया था, तो वो हमें मिला भी। तो इस तरह से हमें 60-70 पॉइंट मिले। नीचे की ओर 17140 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। दूसरा, मैंने बार बार डेली कह रहा हूँ कि कोई भी डिप आए 17244 तक तो बाय कीजिए। नीचे स्टॉप लॉस कम ज़्यादा हो सकता है, पर इस डिप को हमेशा बाय करना है। और ऊपर की ओर हमें फिर से क्या मिला, 17244 से 17380, मतलब एक लगभग 140 पॉइंट का भारी भरकम इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ। सुबह भी हमें प्रॉफिट हुआ, बाद में बाद दोपहर सेकंड हाफ में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट तो हमें निफ्टी में ही हो गया। दूसरा, हमें बैंक निफ्टी में देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड काम हुआ। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था 38180 के ऊपर आपने बाय करना है, पर 15 मिनट कैंडल ने एक शेडो ही बनाई और नीचे आ गई, जो कि हमारा रूल है। हमने बताया हुआ है कि जब तक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक आपने कॉल बाय नहीं करना, तो यहाँ से हम बच गए। दूसरा, हम नीचे की ओर 37660 के नीचे कहा था कि नीचे 10 EMA तक जाएगी, तो एग्जैक्टली 10 EMA तक की मार्केट गई और वहाँ पर हमें
वापस वहां से रिवर्स मारा, तो नीचे की ओर भी हमें लगभग 200-300 पॉइंट मिले। और यहां पर मैंने कहा था कि इस डिप को बाय करना है 37,740 को, और नीचे स्टॉप लॉस रखना है 37,660 का। यहाँ पे हमें जरूर लॉस हुआ लगभग, इसमें हमें 100 ये लगा लीजिए 100 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस, मतलब कुल मिलाकर हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना बैंक निफ्टी में करना पड़ा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, उधर एक अफवाह फैली व्हाट्सएप की कि चाइना ने हमला कर दिया, दूसरी तरफ जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी सी थी आज सारा दिन, और उसका सारा खामियाजा बैंक निफ्टी को ज़्यादा भुगतना पड़ा निफ्टी के मुकाबले। हालांकि निफ्टी तो रिकवर कर गई, पर बैंक निफ्टी रिकवर नहीं किया, क्योंकि कल आरबी क्रेडिट पॉलिसी, उसका सबसे ज़्यादा असर बैंक्स और ऑटो सेक्टर पर होगा। तो आइए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर कि हमने करना क्या। ये देख लिए, देखिए एग्जैक्टली आप देखेंगे 10 EMA को टच करके वापस आ। तो अब हम ये देखिए, आज जो इसने कैंडल बनाई है वो बनाई है बेरिश। जब तक बैंक निफ्टी, अब हमारा जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर होगा, क्यों? इसके लिए आपको हमारी वो इंडिया विक्स देखना होगा कि इंडिया विक्स क्या कहता है। देखिए इंडिया विक्स अगर हम देखें तो इंडिया विक्स है 19.26, जो कि 4.38% हाई है, तो इसका असर हमारी ट्रेडिंग पर भी पड़ेगा। तो उसकी वजह से देखिए जो हमारा बेस है वो है 37,750। 37,750 से वॉलेटिलिटी काफ़ी आई है, कल जो आरबी क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी से दूर रहना, जब 10 बजे आरबी क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी उसके बाद ट्रेड लेना, और वो भी जब तक क्लियर कट आपको कंफर्म ना हो कि आज उसने ब्रेकआउट दिया या नहीं। जो कंफर्मेशन आएगी वो आएगी 38,460 के ऊपर, तो उसी के ऊपर ही आपने कॉल लेनी है, तब तक आपने कोई कॉल नहीं लेनी, क्योंकि इस एरिया में अगर आप कॉल लेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पर फिर से गिरावट आ सकती है। तो 38,460 के ऊपर ही कॉल लेनी है, और स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का लगाना 38,350 का, और ऊपर टारगेट आपको रहेगा 38,670 और 39,000 के टारगेट मिल सकते हैं। मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट जब तक ना आ जाए, तभी मैंने ये दूर का लेवल दिया है थोड़ा सा, और उसी के ऊपर हमारी कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ कि काफ़ी रन हो गया 37,750 से, तब हमें एक तसल्ली सी हो जाएगी कि अब काफ़ी दूर आ गया। तो जो लंबा स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो चाहे तो 37,800 का भी स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, अगर वोलेटिलिटी को उसने उन्होंने कवर करना है। नीचे की ओर आपका वही लेवल रहेगा 37,600, उसी के नीचे ही आप पुट लेना, और इसके नीचे आपको फिर से 10 EMA मिलेगा 37,300 तक का। अब 37,300 पे आ चुका है 10 EMA, तो यहाँ पर आपने 300 पॉइंट का आपको रन पुट में मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। दूसरा कोई डिप पे बाय करने वाली बात वो यही है कि यहाँ पे अगर फ्लैट ही खुल जाए तब बाय करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर लेना 10 बजे के बाद ही, जब तक आरबी क्रेडिट पॉलिसी आ नहीं जाती तब तक आपने कुछ भी बाय नहीं करना। यहाँ पे बाय कर लेना, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और 100 पॉइंट का आपने रिस्क लेना है 37,600 का, और ऊपर आपको टारगेट 37,880 और 38,095 तक के टारगेट आपको मिल भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आप बिल्कुल इस लाइन पे तो बाय कर सकते हैं, पर इस एरिया में बिल्कुल भी बाय नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट टिक नहीं रही, बैंक निफ्टी थोड़ा खड़ी नहीं हो पा रही यहाँ पे। जैसे ही यहाँ आती है एक वोलेटिलिटी सी क्रिएट हो जाती है और प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो इस एरिया से आपने बच कर। तो अब हम आते हैं निफ्टी के, निफ्टी में देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल जिसके ऊपर कॉल और जिसके नीचे हमने पुट लेनी है। उससे पहले हम थोड़े से स्टॉक देख लेते हैं जो हमने कल दिए थे। अतुल दिया था 9825 पे लिया और 9386, तो इसमें हमें लगभग 180 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दूसरा जो स्टॉक था चोला फाइनेंस, जो अभी नीचे से तो डिप आया 747 से और 763 तक हाई लगाया, तो इसमें भी हमें लगभग 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। PVR को हमने 2163 पे लिया, 2151, लगभग 10 पॉइंट का इसमें हमें लॉस हुआ। जिनके पास है रखे, नीचे स्टॉप लॉस वही रखे 2122 का, और ऊपर के टारगेट अभी मिल सकते हैं। तो आइए कल के लिए जो 3 स्टॉक है उनमें सबसे पहला स्टॉक है वो है माइंडट्री। आज IT स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था,
माइंड ट्री ने देखिए फ्लैग पे कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, और आपको याद होगा जब इसने राउंडिंग पैटर्न के ऊपर बहुत ब्रेकआउट दिया तब भी मैंने कहा था इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, और वहाँ पर भी हमने ट्रेड दी थी और हमने तीन टारगेट इसने हिट कर दिए जो मैंने निकाले हुए थे, 3215, 3298 और 3390, ये तीनों टारगेट हमें मिल गए। अब इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया इसने फ्लैग पे, तो फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो आता है 3479 इसके ऊपर, 29 जुलाई का हाई उसके ऊपर। तो ये इसी तक कोई डिप आया 3479 तक कोई भी डिप आए आपने बाय करना है, नीचे स्टॉप लॉस 3440। ये 3440 क्या है, 4 मई का लो, तो वो है हमारा स्टॉप लॉस। ऊपर टारगेट 3549 और 3649 और 3861 तक के हमें मिल सके। दूसरा जो स्टॉक है वो है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब ने भी राउंडिंग बॉटम पे डबल डबल बॉटम बनाया इसने भी, और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और पीनट पे भी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है पीनट फ्लैग पे। तो 2356 तक कोई भी डिप आए बाय करना है, 2313 तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर टारगेट 2428, 2460 और 2568 और 2592 तक के मिल सकते। तीसरा जो स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन आपने कल तभी लेना है, वैसे तो इसने चार्ट पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, पर लेना तभी अगर कल सोना महंगा हुआ, अगर गोल्ड कल महंगा हुआ तो आपने इसे बाय कर लेना है, अगर गोल्ड गिर रहा होगा तब इसे बाय मत करना। तो 2400 तक कोई भी डिप आए बाय कीजिए, 2354 का स्टॉप लॉस और टारगेट 2475, 2506, 2540 और 2600 तक के टारगेट आपको मिल सकते। तो ये हैं तीन स्टॉक्स कल के लिए। तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी। तो क्रूड गिर गया है तो ये काफ़ी अच्छा है हमारी बैंक निफ्टी के लिए, हमारी मार्केट के लिए। तो मार्केट में मोमेंटम तभी स्ट्रॉन्ग है, क्रूड डाउन है इसलिए हमारी मार्केट बिल्कुल नहीं गिरेगी। 17244 तक हर डिप पे हमने बाय करते रहना। आगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी गिर रही है, ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। डॉलर इंडेक्स 106 पे खड़ा है तो ये भी ठीक है, हमारे रुपये के लिए अच्छा है। उधर जो सिंगापुर निफ्टी है लगभग फ्लैट ही है, 17377, और हमने क्लोजिंग भी यही दी है 70380 पे, तो लगभग फ्लैट। अगर ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन क्लियर कर दिखा रही है कि अब रेंज 17000 से 17500 रहेगी, थोड़ी सी रेंज डाउन आई है। क्यों आई है, क्योंकि ये जो तीन बातें मैंने बताई है, चाइना ड्रिल, दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तीसरा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट की रेंज थोड़ी नीचे आई है, मतलब 17000 बेस है और 17500 रेजिस्टेंस, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी में हमने करना क्या। तो निफ्टी में देखिए इसने एक डिप लगाया और बहुत बढ़िया इसने रिकवरी दी और फ्लैट इसमें क्लोजिंग। कल हम फिर से 17420 के ऊपर ट्राई करेंगे, क्योंकि 17420 एक ऐसा हिस्टोरिकल लेवल है जिसके ऊपर जहां पर एक रेजिस्टेंस रहा है और इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आ सकता है। तो 17420 के ऊपर हम फिर से ट्राई करेंगे कल, और जो हमारा टारगेट होगा वो मैंने टारगेट काफ़ी नज़दीक रखा है 17469, जो कि 16 फरवरी और 7 फेब का रेजिस्टेंस है, और उससे अगला टारगेट रहेगा 17548 जो कि 31 मार्च का हाई, और उसके आगे जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 17625 और 17640। तो ये रहेंगे ऊपर की ओर टारगेट। तो यहाँ आपने जो कॉल लेनी है वो लेनी है 17300 की, और स्टॉप लॉस वही दोबारा से 17340 का लगाना। नीचे की ओर आपने फिर से वही लेवल 17130 के नीचे आपने पुट लेनी है, जब तक ये ना टूट जाए तब तक पुट नहीं लेनी। जब ये लेनी है पुट तब आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो 17220 का रखना है, और नीचे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17020 का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 200 एमा। अब एक और एमा आ चुका है 17046, तो 200 एमा की बजाय अब ये टारगेट रहेगा 17050 का, ये है 10 एम। तो 10 एमा हमारा बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, जो कि वो भी एक हमारी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव। तो ये है निफ्टी का ट्रेड सेटअप। तो अब आप पूछेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगी। देखिए मार्केट कहीं भी जाए आपने सुबह 9 बजे ट्रेड नहीं ले। जिन्होंने कॉल बाय कर रखी है अगर थोड़ा सा गैप अप मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर नहीं मिले फ्लैट खुल जाए तो थोड़ा वेट करना, डिप आए
एवरेज बनाना और फिर एवरेज पे निकल जाना। सही ट्रेड आपने तभी लेनी है जब तक आपका 10 बजे के बाद आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती और उसके बाद मार्केट अपना मोमेंटम क्लियर नहीं कर देती। जब मार्केट अपना मूवमेंट क्लियर कर दे तभी आपने ट्रेड लेनी है, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेनी, दूर रहें। और जिनके पास है तो वो मैंने बता दिया, जिनके पास पुट है तो पुट तो वैसे ही 17,250 उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, जिनके पास है वो तो निकल जाना, पुट तो वैसे ही यहाँ पे नहीं बनती। और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ही खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है कल 10 बजे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और तीनों स्टॉक्स का कंप्लीट ट्रेड सेटअप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।